हैं, ये टॉपिक का नाम है सेफ्रिड। आज का जो मेरा एक्सप्लेनेशन रहेगा वो सेफ्रिड के ऊपर रहेगा, ठीक है। सेफ्रिड होता है क्या? सेफ्रिड मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पाए जाने वाले वो दिन होते हैं या वो डेज होते हैं जिनके दौरान विदाउट प्रोटेक्शन के भी यदि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है तो प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का एक नेचुरल मेथड होता है जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, कई बार जो फीमेल होती है वो प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए मेंटली या फिजिकली होती है वो प्रिपेयर नहीं होती है, या हो सकता है जो जिन कपल की न्यू शादी हुई है वो फैमिली को अभी प्लानिंग नहीं करना चाहते, वो अपने फ्यूचर को सेट करना चाहते हैं, ठीक है। या हो सकता है उन्होंने एक फैमिली प्लानिंग कर लिया हो, वो बच्चों के बीच में गैप रखना चाहते हो इसलिए प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। या हो सकता है उन्होंने फैमिली प्लानिंग है वो कम्प्लीट कर लिया है लेकिन वो आर्टिफिशियल मेथड को काम में नहीं लेकर, आर्टिफिशियल जो मेथड है उसको काम में नहीं लेकर नेचुरल मेथड से वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हुए अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है। तो कई रीजंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के, ठीक है। तो क्या होता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवुलेशन कब होता है, ब्लीडिंग कब होती है, कितने डेज का होता है, पिछले वाले मंथ को कौन सी डेट को मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, कौन सी डेट के ऊपर फिनिश हुआ, तो ये कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर पहले से एक वीडियो अपलोड कर दिया है तो वहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो वीडियो देखने पर आपको ये सेफ्रिड है वो आसानी से समझ में आ जाएगा कि कब ओवुलेशन होता है, तो आप ये जो वाला वीडियो वो आप अच्छा आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेरे चैनल की जो वीडियो लिस्ट है उसके अंदर मतलब अपलोड किया हुआ है वीडियो, वो आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मैंने बताया कि वो जब 13 एज की होती है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें पहले से जो ओवम पड़े हुए होते हैं जब वो फिटल स्टेज के अंदर होती है वो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसके थ्रू क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो जो 13 एज की होती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जब वो 45 या 50 एज की होती है, जब 50 साल की होती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, ये कह सकते हैं कि उसके बाद में प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती, इसके बीच में ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है, इस फेज के दौरान 13 एंड 50 एज के बीच में प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो अधिकांश फीमेल होती है उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्या होता है, अधिकांश फीमेल के अंदर 28 डेज को होता है, ठीक है, और 28 डेज का होता है, या कई फीमेल ऐसी होती है जिनके अंदर 21 डेज का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कई के अंदर 25 का होता है, कई के अंदर 30 का होता है, कई के अंदर 35 का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन अधिकांश जो फीमेल होती है 75% जो फीमेल होती है उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। और 25% फीमेल ऐसी होती है जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने डेज का होता है, 21 डेज का भी हो सकता है, 21 दिन का भी हो सकता है, 25 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, या 35 दिन का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग कब हो रही है, कब फिनिश हो रहा है, ये डेट आप कैसे निकाले, ठीक है। तो जिस दिन से फीमेल की वजाइना से ब्लड स्टार्ट होता है, ठीक है, जिस दिन से ब्रीडिंग स्टार्ट होती है उस दिन को उसका फर्स्ट डे मानते हैं, और नेक्स्ट ब्रीडिंग कब हो रही है, ठीक है, उसके बीच का जो अंतराल होता है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर काउंट होता है। एक वाले मंथ के अंदर उसको 25 को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, ठीक है, 25 को यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल आया जनवरी का, यदि जनवरी का अपन माने, ठीक है, तो जनवरी का यदि अपन माने तो वहां से उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि 25 को आ रहा है और वो फिनिश कब हो रहा है, ठीक है, फिनिश होने का मतलब है कि दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको कब स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो बीच का जो फेज होता है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आपको डेज पता होनी चाहिए तभी आप क्या कर सकते हैं, सेफ पीरियड को निकाल सकते हैं, और आप सेफ पीरियड को निकाल सकते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बच सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि कई फीमेल ऐसी होती है जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, ठीक है। तो अब ये बताइए, प्रॉब्लम ये होती है कि पीछे वाले मंथ की तो अपन ओवुलेशन डेट निकालकर सेफ पीरियड को निकाल सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त, आने वाला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन का होता है ये अपन को पता नहीं होता, तो उस टाइम की आप ओवुलेशन की डेट निकालकर सेफ पीरियड को कैसे निकाले, तो वो आपको मैं बताना चाहूंगी, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए यदि किसी फीमेल को वो आगे वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेफ पीरियड निकालने के लिए वो क्या करी, अपने पीछे वाले 2-4 जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आए हैं तो उसकी क्या करेगी, वो उसकी डेट फिक्स करेगी, उससे उसको पीछे वाले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन से आ रहे हैं, ठीक है। तो कई फीमेल ऐसी होती है जिनके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि उसको पीछे वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन से आ रहा है, ठीक है, या हो सकता है 29 दिन से आ रहा हो, ठीक है, तो अपन अप्रोक्सीमेट पिछले वाला 2-3 मेंस्ट्रुअल साइकिल ले लेंगे तो 28 दिन से यदि उसको आ रहे हैं,
ठीक है। तो अब उसको पता नहीं कि आने वाला साइकिल 29 को भी हो सकता है, 27 को भी हो सकता है, 26 को भी हो सकता है, 30 को भी हो सकता है। तो आने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल की अपन को डेट पता नहीं होती, लेकिन अपन पिछले वाले डेट को आधार मानकर आने वाले डेट को फिक्स कर सकते हैं। कई बार एक फीमेल होती है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दिन होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए क्या कर सकते हैं वो ओवुलेशन की डेट कैसे निकाले। तो मान लो एक फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पिछले वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन का है, लेकिन आने वाला उसको पता नहीं कितने भी दिन का हो सकता है, 2 दिन आगे भी हो सकता है, 2 दिन पीछे भी हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि यदि उसको मानो जनवरी की 25 तारीख को उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, मानो जनवरी की 25 तारीख को उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, तो यदि उसको 28 दिन अपन कंप्लीट करते हैं, यदि उसको 28 दिन यदि कंप्लीट कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, 30 दिन का यदि मान लें तो वहां पर देखिए 25 को यदि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, 21 को उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस स्टार्ट होगा, तो उसमें ओवुलेशन की अपन डेट कैसे निकालें, ओवुलेशन कब हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पीछे से आगे से ओवुलेशन की डेट होती है वो फिक्स नहीं होती कि कब ओवुलेशन होता है, तो आगे वाले डेट से अपन ओवुलेशन की डेट नहीं निकाल सकते। तो जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल पिछले वाला 28 दिन से आया है तो आगे आने वाली डेट कैसे निकालेंगे, यहां से क्या कर देंगे अपन 14 डेज माइनस करते हैं, यहाँ से 14 दिन निकाल देंगे अपन। तो इस वाले डेट को क्या है, उस फीमेल का ओवुलेशन हुआ, अंडा है वो ओवरी से मैच्योर होकर कहाँ चला गया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये वाले डेज में क्या होता है, फर्टिलिटी होती है वो उसकी फर्टिलिटी की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ओवा होता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर चुका होता है। एक बात और जरूरी बताना चाहूंगी मैं आपको, स्पर्म जो होता है उसका जो जीवन काल होता है वो 72 hours का होता है, 72 घंटे का होता है, ये मान सकते हैं 3 days का होता है, 3 दिन का होता है। और एक जो ओवम होता है, ओवम अंडाणु होता है, उसका जो लाइफ स्पैन का जो जीवन काल होता है वो 24 hours या 1 दिन का होता है, ठीक है। तो मान लो इस फीमेल का ओवुलेशन कब हुआ, अंडा फेलोपियन ट्यूब के अंदर कब गया, इस तारीख को गया, ठीक है। वहां से आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट कहां से फिक्स करें, जिस दिन से वजाइना से ब्लड स्टार्ट होगा। तो यदि इस फीमेल को जनवरी की 25 को क्या आ रहा है, अभी जनवरी की 25 को इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर काउंट कर दो 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस तारीख को क्या होगा इस फीमेल के अंदर, 7 तारीख को क्या होगा इसके अंदर ओवुलेशन होगा, अंडा फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा और वहां पर जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको कि मैंने बताया कि स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, वो 72 घंटे का होता है या 3 दिन का होता है। यदि 3 दिन पहले भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हुआ है, फिजिकल कॉन्टेक्ट या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हुआ है, तो भी क्या हो सकते हैं, ये फीमेल की जो वेजाइनल जो ट्रैक्ट होता है उसके अंदर 3 दिन तक क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। तो 3 दिन के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 तारीख को ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है, 14 दिन के बाद में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, बेबी का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप हो सकता है, क्योंकि 3 दिन तक ये स्पर्म जिंदा रहते हैं वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर। और देखिए 3 दिन बाद में भी यदि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो रहा है तो भी क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो सकता है, ठीक है, फर्टिलिटी की संभावनाएं रहती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये डेज आप निकाल दो, ये डेज निकाल दो। अब देखिए क्या होता है, ये डेज तो अपने पिछले वाले 28 दिन को मानकर निकाला है, भाई पिछले वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन को आया तो निकाला है, लेकिन अपने आने वाले डेज को अपने को पता नहीं कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, 27 को भी हो सकता है, 28 को भी हो सकता है, ठीक है, 26 को भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 2 दिन आगे भी हो सकता है, 2 दिन पीछे भी हो सकता है। तो इस डेट को निकाल कर क्या करेंगे अपन, 2 डेट और निकाल देंगे, यहाँ से 2 दिन निकाल देंगे कि 2 दिन पीछे आगे हो सकते हैं, तो यहाँ पर 2 डेट और निकाल दो, तो 2 डेट निकालेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 8, ठीक है, इसमें क्या हो गया, 7 तारीख ओवुलेशन, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये वाला जो डेज होता है 12 यहाँ से लेकर ये सिर्फ ये क्या होते हैं, ये इस दौरान यदि विदाउट प्रोटेक्शन के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है तो प्रेगनेंसी की 99% संभावना है नहीं, क्योंकि ओवा होता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फिर वहां पर वो मतलब ओवम के ओवम होता है, वहां पर ओवम होता है स्पर्म का वेट कर रहा होता है, ठीक है, तो वहां पर यह स्पर्म अवेलेबल हो जाता है उसको। देखिए ये वाले जो डेज होते हैं इनके दौरान क्या होता है, इनके दौरान मतलब ओवा होता है स्पर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है ये सेफ पीरियड होते हैं। यदि इन पीरियड के दौरान अब मतलब इन पीरियड के दौरान यदि विदाउट प्रोटेक्शन के भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है तो ये सेफ रहेंगे, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए 5 दिन तक तो फीमेल की वजाइना से क्या होते हैं, फीमेल की वजाइना से ब्रीडिंग होती है, ठीक है। तो ये वाले डेज क्या होंगे, ये वाले जो डेज हैं ये भी क्या होंगे, सेफ होंगे, ठीक है। 25 को यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, 30 वाला हो गया,
31 वाला हो गया और एक, तो ये वाली जो डेट है ठीक है, तो ये वाली डेट क्या होगी, उसके लिए सेफ होगी। ये तो कौन सा साइकिल हुआ जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, लेकिन कई फीमेल ऐसी होती है जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है 25 डेज का भी होता है, तो वो अपना सेफ पीरियड कैसे निकाले, तो वो कर सकती है कि पीछे वाले को 18वां नहीं, आने वाला तो उसको पता नहीं है, आने वाला तो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, तो पीछे वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल को वो 18वां नहीं, यदि उसको 25 दिन का उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है, 25 दिन से उसको आया है, तो वो क्या करेगी, 25 दिन काउंट करेगी, उसमें से क्या करेगी, उधर से माइनस कर देगी, 14 डेज माइनस कर देगी, उसको ओवुलेशन कब हो रहा है, इस तारीख को हो रहा है ठीक है। यदि इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल 25 को आए, जनवरी की 25 को आ रहा है ठीक है, तो उसमें से आप जनवरी की 25 को आ रहा है, तो वहां पर 5 दिन तक तो यहाँ पर ब्लीडिंग होगी, उसके बाद में 11 दिन के बाद में ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो जहां से वेजाइना से ब्लड निकलना स्टार्ट है, तो उसको फर्स्ट डे मानेंगे, बार बार में बताई हुई है ठीक है, तो फर्स्ट डे मानेंगे, वहां से अगर दिन काउंट करेंगे, उसको एक दिन मानेंगे, वहां से काउंट करेंगे, तो उसके 11 दिन बाद में क्या होगा ठीक है, वहां यहाँ पर 11 दिन के बाद में क्या होगा, ओवुलेशन होगा, यहाँ इधर से माइनस नहीं करना, उधर से माइनस करना है ठीक है, तो उधर से यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है। तो मैंने 3 दिन बताया कि वेजाइनल ट्रैक्ट में यदि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है, तो वेजाइनल ट्रैक्ट में पहले से क्या होते हैं, स्पर्म अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन आने वाले डेज अपन को पता नहीं है कि 25 को आए, तो लेकिन 2 डेज अपन और लेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त होता है उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 23 को भी आ सकता है, या बोल सकते हैं अपन 27 को भी आ सकता है, तो यहाँ पर 2 डेट और ले लेंगे, अपन 2 डेट और ले लेंगे, तो देखो यहाँ पर 5 दिन तक उसमें क्या हुआ, ब्लीडिंग हुई, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ डेज बचते ही नहीं है, क्योंकि इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो इन वाले डेज के अंदर इसमें क्या नहीं बचता, सिर्फ सेफ जो पीरियड है वो बचता है, देखो सारे कवर हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेफ पीरियड कितने बचते हैं, यहाँ पर ये बाकी के जो बचे हुए डेज हैं वो सेफ पीरियड के अंदर काउंट होंगे ठीक है। यहाँ पर यदि विदाउट प्रोटेक्शन के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है, तो प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है ठीक है। अब कई फीमेल ऐसी होती है जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 30 दिन से आता है ठीक है, 30 दिन पिछले वाला 30 दिन का था, 30 दिन का था, तो आने वाले की कैसे निकालेंगे, तो पिछले वाले को आधार मानेंगे, आने वाला तो कितने दिन, 2 दिन आगे हो सकता है, तो 2 दिन पीछे हो सकता है, तो वो तो अपन इस कैलेंडर के अंदर कवर कर लेंगे, तो वो क्या करेंगे, तो 30 दिन ले लेते हैं, तो वहां से आप 14 डेज माइनस करो, तो इस डेट को क्या होगा, इस डेट को क्या होगा, इस डेट को ओवुलेशन होगा, मतलब जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस दिन से आप कवर कर लो, उस तारीख को 1 तारीख मान लो, तो वहां से एक दिन मान लो ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर क्या उधर से माइनस कर दो आप 14 डेज माइनस कर दो, तो 16 तारीख को क्या, इसमें क्या होता है, यहाँ इस डेट को क्या होता है, इस डेट को ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होता है। अब देखिए ये क्या होता है, जब तक 3 दिन तक वजाइनल ट्रैक्ट में स्पर्म जिंदा होते हैं, 2 दिन और निकाल दो, आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है ठीक है, तो ये डेट ये निकाल देते हैं, तो ये क्या होते हैं, इस दौरान यदि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है विदाउट प्रोटेक्शन के, तो प्रेगनेंसी हो सकती है, तो ये वाले डेट्स होते हैं वो सेफ डेट्स होते हैं। इस प्रकार अपन जितने भी मतलब हो सकते हैं उसको 35 दिन से आ रहा है ठीक है, या हो सकते हैं उसको 26-20 तारीख, जितने भी हो सकते हैं जितने भी दिन होते हैं उनको पीछे से आप 14 डेज निकालो, और उसके आसपास के 3 दिन या 3 दिन तो निकाले हैं, उसमें 2 दिन और निकालने, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है आने वाला। इस प्रकार क्या निकाल सकते हैं अपन, इस प्रकार से अपन सेफ पीरियड निकाल सकते हैं, और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड कर सकते हैं ठीक है। देखिए क्या होता है, मैं एक बात जरूरी और बात बताना चाहूंगी, ये जो कैलेंडर मेथड है सेफ पीरियड निकालने के लिए, जो ये वाला जो मेथड है वो उन्हीं फीमेल के लिए सेफ है जो जिन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मतलब ज्यादा अनरेगुलेटेड नहीं होती, मतलब हो सकता है पीछे वाला मतलब 25 दिन का हो, आगे आने वाला 30 दिन का हो सकता है, तो उनके लिए भी ये कैलेंडर मेथड ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट होती है वो 2 दिन आगे, 4 दिन आगे, 5 दिन आगे, 5 दिन पीछे हो, तो उनके लिए भी ये यूजफुल है। लेकिन जिन फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा गड़बड़ेशन होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है, पीछे वाला मतलब उसको 1 मंथ से आया, आने वाला उसको 3 मंथ से आ रहा है, 4 मंथ से आ रहा है, तो उनके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवुलेशन की डेट निकालना, अंडा फेलोपियन ट्यूब में कब जाता है उसकी डेट निकालना, उसके आधार पर सेफ पीरियड निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उन फीमेल के लिए ये मेथड है वो प्रोटेक्टिव नहीं है, वो इस मेथड को यूज में नहीं ले सकती ठीक है। इस मेथड को यूज में लेने से वो प्रेगनेंसी को अवॉइड नहीं कर पाती है, ये रिस्की होता है उनके लिए, तो वो ये मेथड यूज में नहीं ले सकती, वो किसी अदर मेथड को या डॉक्टर की एडवाइस ले। एंड ये मेथड यदि आपको, मेरा ये जो टॉपिक है यदि आपको लाइक आया तो पसंद आया तो इसको सबसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आने वाले मतलब जितने अपने वीडियो के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूं, और मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो अवेलेबल करवा सकूं। थैंक्स अ लॉट।